सारे टीवी चैनलों के बॉसिस का उन्होंने मालकों का जिन्होंने मैनू मौका दिता अपने टीवी चैनल के काम कर मैं पहले तो सारे का धन्यवाद करना और उन्होंने थैंक यू कहना कि उन्होंने मेरा जो टैलेंट है वह नर्चर किया और उस टैलेंट नू अगे लैके गए तो वह भी मेरी जिंदगी दे अहम हिस्सा बने सके पर 8 साल दे विच बहुत सारे उतार चढ़ाव जिहड़े ने वो हर किसी की जिंदगी दे विच आउंदे आ वो भी असी वेखे पर जिंदगी दे विच एक ही गल और एक ही जज्बा सीगा कि असी अपनी कम्यूनिटी यानी कि असी अपने पंजाब ते पंजाबीयत की गल जिहड़ी है वो किवें करनी है उहनू अगे किवें रखना है उस सभ्याचार नू उस विरासत नू असी किवें कायम रखना है। मैनू 8 साल का तजुर्बा हैगा मीडिया दे विच जिथे मैं इंडिया दे विच वक वक अदायरे नाल काम कर चुके एज एन टीवी होस्ट एज एन टीवी प्रोड्यूसर जिन्हां विचों प्रोमीनेंट जिहड़े पंजाब दे टीवी स्टेशनस ने पंजाबी टीवी स्टेशन उन्हां दे विच मैं एज एन टीवी होस्ट काम कर चुके मेरी जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है वह 2014 दे विच शुरू होया सीगा एक कैनेडियन चैनल तो जिथे मैं टीवी होस्ट एज ए न्यूज़ एंकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की उस तो बाद मैं वक् वक् चैनल जिहड़े ने उन्हां दे नाल काम किया इंडिया दे विच जो कि बहुत प्रोमीनेंट मन्ने जांदे हैं पंजाब ते पंजाबीयत नूं अगे लैके जाना साडी माँ बोली नूं जिंदा रखना माँ बोली नूं कायम रखना और माँ बोली की गल करनी सो असी वचनबद्ध आ कि असी हर उस प्रोग्राम नूं कवर करांगे जिथे तक असी जा सकते हैं और यह जिहड़ा अदायरा हैगा यह नॉन बायस्ड अदारा रहेगा राइट इस अदायरे दे विच तुसी कदी भी दो जिहड़ी पक्खी गल है हमेशा वेखोगे एक पक्खी गल नहीं वेखोगे और ये किसी भी पार्टी दे नाल मोटिवेटेड नहीं हैगा भावें वह पंजाब दीआं वख वख जिहड़ीआं पार्टियां हन सो उहदे नाल किसे नाल भी असी मोटिवेटेड नहीं हैगे वी आर इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस एंड वी रन आर शो सो हरजस टीवी जिहड़ा हैगा हुण इस करके होण दे विच आया कि असी शुरू तो लैके जब उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया और जब तक उन्होंने प्रोग्राम है उन्होंने नाल रहांगे पल पल की जिहड़ी जानकारी है जिन्हों कहिंदे कि पल पल की जिहड़ी अपडेट है वो असी लोगों के घर पहुँचावे भावें वह असी IPTV बॉक्सिस के राही पहुँचाइए या फिर सोशल मीडिया के राही पहुँचाइए तुसी साडे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हरजस टीवी ऑफिशियल साडा टिकटॉक का चैनल जिहड़ा हैगा हरजस टीवी उस तो अलावा साडा यूट्यूब का चैनल हरजस टीवी USA साडा फेसबुक का चैनल हरजस टीवी USA जिथे असी डिजिटली भी अपने आप नूं मजबूत करांगे उत्थे असी जिहड़े सोशल मीडिया ते नहीं जा सकते है ना कई साडे बजुर्ग अजे उन्हां नूं इन्नी जानकारी नहीं है सो सानूं घर बैठे साडे प्रोग्राम देख सकदे आ हरजस मीडिया ग्रुप जिहड़ा हैगा वख वख अदारे जिहड़ी सिस्टर्स कंपनी है मदर पेरेंट कंपनी साड़ियाँ है जिदे विच हरजस वैडिंग स्टूडियो है और साडा चैनल हरजस टीवी हैगा सो असी पिछले 1 साल तो मिडवेस्ट यानी कि अमेरिका दे मिडवेस्ट दे तो जब मैं मिडवेस्ट की गल करदा तो ये स्टेट ऑफ इंडियाना स्टेट ऑफ ओहायो स्टेट ऑफ इलिनॉय स्टेट ऑफ विस्कॉन्सन स्टेट ऑफ मिशिगन जिहड़ी है वो मिडवेस्ट दे मौजूद है जिथे असी वध चढ़ के जिन्हें भी कम्यूनिटी ईवेंट्स ने या फिर कम्यूनिटी नू प्रोग्रेसिव करन लई एम्पावर करन दे लई जिन्हें भी कारज होंदे हन उन्हूं असी कवर कर। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं तुसी देख रहे हो हरजस टीवी USA मैं तुहाडा अपना जशनप्रीत सिंह अज साडे नाल मौजूद ने हरजस मीडिया ग्रुप के CEO एंड फाउंडर हरकिरत सिंह आलूवालिया असी इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं हरजस मीडिया ग्रुप के अज असी जाणांगे इन्हां दी जिंदगी बारे अते हरजस मीडिया ग्रुप बारे इस मीडिया ग्रुप दे की विचार ने की होंद है अते इस मीडिया ग्रुप ने की करना है अगे फ्यूचर दे विच। हरकिरत भाजी तुसी दसो अपनी जिंदगी बारे अपने मीडिया बारे अते अपने विचारधारा बारे इस मीडिया ग्रुप ने की करना है एंड इसने की कर सकता है। बिल्कुल पहला तो जिन्हें भी दर्शक सानू हरजस टीवी राही विश्व दे विच वेख रहे ने पहले तो सारे नू जी सत श्री अकाल सो सब तो पहले तो मैं जशन तुहाडा स्वागत करदा हरजस मीडिया ग्रुप के सदारे दे विच ते तुसी साडी टीम का हिस्सा बने हो पहले तुहानू जी आयां नू सो तुसी जिवें सवाल किया कि हरजस मीडिया ग्रुप दी की लोड़ पई और की करेगा पहले तो मैं दर्शकों नू दसदा कि हरजस मीडिया ग्रुप जिहड़ा हैगा वह वख वख अदारे जिहड़ी सिस्टर्स कंपनी है मदर पेरेंट कंपनी साड़ियाँ है जिदे विच हरजस वैडिंग स्टूडियो है और साडा चैनल हरजस टीवी हैगा सो असी पिछले 1 साल तो मिडवेस्ट दे विच यानी कि अमेरिका दे मिडवेस्ट दे विच तो जब मैं मिडवेस्ट की गल करदा तो इहदे विच स्टेट ऑफ इंडियाना स्टेट ऑफ ओहायो स्टेट ऑफ इलिनॉय स्टेट ऑफ विस्कॉन्सन स्टेट ऑफ मिशिगन जिहड़ी है
ਉਹ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਟੀ ਵੀ ਹੋਸਟ, ਐਜ਼ ਐਨ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਟੀ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ ਹੋਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਜਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬੋਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੋਨ ਬਾਇਸਡ ਅਦਾਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਅਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵੀ ਰਨ ਆਰ ਸ਼ੋਅ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IPTV ਬੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। IPTV ਬੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋਏ, UK ਹੋਏ, ਦੁਬਈ ਹੋਏ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਟਰੋਇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਾਮਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਟਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਨਸਿਨੈਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਲੰਬਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲਵਾਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਨ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਐਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੋ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਐਵਾਂਸਵੈਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
चार छुफेरे जिन्हें भी सोहने सोहने शहर ने उन्होंने सारे नू कवर करांगे। हाल फिलहाल हुण असी 29 अप्रैल में जिहड़ा हैगा वह काला माजू दे विच पंजाब कल्चर एसोसीएशन ऑफ मिशिगन PCS वालों एक बहुत वड्डा मेला किया जा रहा वो कवर करन पहुँच रहे हैं। मई 6 नू लैंसिंग की जिहड़ी संगत हैगी है उस सिख डे परेड कर रही है बहुत वड्डे पद्धर से उन्हों कवर करन असी पहुँच रहे हैं। वख वख कबड्डी टूरनामेंट्स जिहड़े ने हो जा रहे हैं मिडवेस्ट दे विच एक साउथ बेंड दे विच हो रहा दो मिशिगन दे विच होंदे ने एक शिकागो दे विच हो रहा एक मिलवाकी दे विच होगा। सो साडी टीम उत्थे भी तुहानू वेखण नू मिलेगी। सो कहण दा भाव है जी कि सब कुछ तो होगा पर उहदे नाल सानू साडी जिहड़ी ऑडियंस है साडे जिहड़े लोक ने मिडवेस्ट दे विच उहनां दा बहुत प्यार चाहीदा। हाँ जी ये गल तो है जिदा भाजी ने गल करी पंजाब ते पंजाबीयत दी। इंडियानापोलिस एक इदां दा शहर है जिहदे विच बहुत वड्डे बिजनेसमैन जो कि पंजाब नाल जुड़े हुए ने अते उहनां दे सहयोग नाल ही यह सारी चीज़ां हुंदियां ने जिवें आपां कबड्डी टूरनामेंट ला लीए भावें कोई वड्डे शोज ला लीए भावें सिख डे परेड्स ला लीए भावें रिपब्लिक डे परेड्स ला लीए यह सब इन्हां वड्डे बिजनेसमैन दे नाल ही हुंदा है अते लोकां दे प्यार नाल हुंदा है। बिल्कुल जशन नाले दूजी गल ऐ सीगी कि एक सवाल सीगा कि इहदी लोड़ क्यों पई। सो मिडवेस्ट दे विच तुसीं वेख्या कि इन्ने वड्डे इवेंट्स होंदे आ इन्ना इन्ने डॉलर असीं खर्च करदे आ हैना खर्च कादे लई करदे आ कि असीं अपनी माँ बोली नूं अपने विरासत नूं सभ्याचार नूं असीं ना दर्शाउणा चाहुंदे आ पर दर्शा तां रहे आ पर दर्शाउण दे नाल नाल असीं उहनूं मार्केट नहीं कर पा रहे उहदी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे या फिर उन्होंने असी दिखा नहीं पा रहे कि किन्ने वड्डे पद्धर से असी ये प्रोग्राम किया या इनू असी उलीकिया तो उहदा जिहड़ा एंड रिजल्ट है वह की सीगा। सो हरजस टीवी जिहड़ा हैगा हुण इस करके होंद दे विच आया कि असी शुरू तो लैके जब उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया और जब तक उन्होंने प्रोग्राम है उन्होंने नाल रहांगे पल पल की जिहड़ी जानकारी है जिन्हों कहिंदे कि पल पल की जिहड़ी अपडेट है वो असी लोगों के घर पहुँचावे भावें वह असी IPTV बॉक्सिस के राही पहुँचाइए या फिर सोशल मीडिया के राही पहुँचाइए। साडे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हरजस TV ऑफिशियल साडा टिकटॉक का चैनल जिहड़ा हैगा हरजस TV उस तो अलावा साडा यूट्यूब का चैनल हरजस TV USA साडा फेसबुक का चैनल हरजस TV USA जिथे असी डिजिटली भी अपने आप को मजबूत करांगे उत्थे असी जिहड़े सोशल मीडिया ते नहीं जा सकते है ना कई साडे बजुर्ग अजे उन्हां नूं इन्नी जानकारी नहीं है सो सानूं घर बैठे साडे प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिहड़े ने आने वाले समय के आने जिन्हां विचों एक प्रोग्राम जिहड़ा हैगा तुसीं भी करोगे। सो मैनूं लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हाँ कि साडे नाल बहुत सारी टैलेंटेड टीम थोड़ी वर्गी जुड़ रही है और इन फ्यूचर असी इनू इंप्लीमेंटेशन के उत्ते भी हुण काम करांगे और दसांगे दर्शकों कि वाकई ही तुहाडा आप का चैनल है तुहाडे घर का चैनल है तुसीं सानू 24 घंटे जद मर्जी सानू फोन ला सकते हो असीं तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहांगे भावें कोई भी जानकारी है। हाँ जी सानू हरकिरत सिंह गालोवाले जी नाल अज गल करके बहुत वधिया लग्या जो इन्हां ने दस्या अपने हरजस मीडिया ग्रुप बारे अते इहदी विचारधारा बारे अते इस चैनल का माध्यम की है अते आपां नूं की देखण नूं मिलेगा। सो असी हो आस रखते हाँ तुसीं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होवोगे अते असी भी अपनी पूरी कोशिश करांगे तुहाडे तक हर एक सूबे की मिडवेस्ट के हर एक सूबे की हर एक इत्थों के लोगों की सोच अते उत्थों दीआं खबरां तुहाडे तक पहुँचा सकीए। मैं जशनप्रीत सिंह चीमा अते साडे नाल हरकिरत सिंह आलूवालिया। बिल्कुल जशन मैं इतने एक गल छोटी जी होर ऐड कर देना चाहना बिल्कुल तुसी सही गल कही कि साडे बहुत सारे इतने गुरद्वारा साहिबान मौजूद ने साडे बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन इन्ने सारे साडे फिनोमिनल आंट्रप्रनोर्स ने जिन्हां दे सदका पूरा मिडवेस्ट अज ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच मैप दे विच रिकॉग्निशन कराउंदा। सो इन्नी सारी ऑर्गेनाइजेशनस ने जो कि बहुत वधिया काम कर रही हैं गुरुद्वारा साहिबान साढ़े बहुत वधिया काम कर रहे हैं इंडियानापोलिस शहर के असं रहने तुम वेखते हैं कि सिखी का बोलबाला जिहड़ा इत्थे भी बहुत वेखण नूं मिलता मिशिगन दे विच तुसी चले जाओ तुसी ओहायो चले जाओ उत्थे बहुत सारे दायरे ने जिहड़े काम कर रहे हैं। सो सारयां नूं असीं कवर करांगे इह सारयां दा चैनल है सारयां दी सारयां दा प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म दे विच हर किसी नूं जी आयां नूं है। एक गल मैं होर ऐड करना चाहुंदा एक प्रोग्राम असीं होर कवर कर रहे हैं जो कि साडे इस सोहणे जिहे शहर दे विच हो रहा मिस एंड मिसिज पंजाबन क्योंकि यह जिहड़ा चैनल है सिर्फ मेल डोमीनेटिंग चैनल ही नहीं है या फिर सिर्फ साडे भरावां लई ही तक सीमित नहीं है साडियां भैणां नूं भी खुला सद्दा साडियां टीवी होस्ट तुसीं वेखोगे जिहड़ी फीमेल्स ने
वो भी आने वाले समय के प्रोग्राम एक तो बाद एक करनगियां। सो जिहड़ा मिस एंड मिसिज पंजाबन है वह भी छे मैं कहांगा कि वूमेन जिहड़ियां वह कर मिल रल के करा रही हैं। सो उन्हूं भी असी सपोर्ट कर रहे हैं, उहदे विच भी असी मीडिया पार्टनर हाँ। सो मैनू बहुत माण दे नाल कहना पैंदा है सो क्यों मंदा आखीए जित जमे राजान। जब गुरु साहब ने गल कही सी मैनू लगता है कि साडे मन दे विच भी वह गल होनी चाहिए है। सो यू विल सी लॉट्स ऑफ यू नो फीमेल एंकरस यू नो फीमेल होस्ट जिहड़े साडे नाल बकायदा तौर पर काम करनगे वख वख शो वूमेन एम्पावरमेंट नूं लैके आने वाले समय के अगे आएंगे और कई सारिया गल्लां जिहड़ियां वह हसी मजाक दियाँ भी होणगियां। एक तरीके का इनफोटेनमेंट मैं कह सकदा जशन चैनल होगा जिस च तुहानूं सारा स्वाद मिलेगा। घर से जब बहने ना बहुत वधिया खाना बनता सी कहिंदे मज़ा आ गया। सो वह दर्शकों ने दसना कि उन्होंने मज़ा आया कि नहीं आया, पर असी जरूर उन्होंने मज़ा देने की कोशिश करांगे। हाँ जी, वधेरी जानकारी तुसीं सानू जिहड़ा साडा नंबर टीवी स्क्रीन ते चल रहा है उस नंबर दे उत्ते कॉल कर सकते हो। तुसीं साडे नाल जुड़ना चाहते हो मिडवेस्ट के किसी भी शहर के तुसीं साडे नाल एज एन फ्रीलैंस रिपोर्टर आना चाहते हो, असी वो भी जिहड़े रिज्यूमेज है सीवीज़ है उन्होंने असी जी आई नू कर रहे हैं। तुसीं सानू ईमेल राही जिहड़ी टीवी स्क्रीन के उत्ते ईमेल चल रही है तुसीं उत्थे सानू ईमेल राही अपनी भेज सकते हो। मैं फिर भी दस देना harjastvteam@gmail.com के उत्ते, एंड मेरा नंबर है जी 6466397320। इस नंबर पर कॉल करके तुसीं सानू अपने फीडबैक या फिर अपने कोई भी जानकारी देना चाहते हो तुसीं दे सकते हो, और तुहाडे फीडबैक का तुहाडे कमेंट्स का सानू इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।